इक्वल सम पार्टीशन करते हैं, डिस्कस नैपसैक वाले को बाद में करेंगे, उसके लिए छोड़ देना। अब पता क्या क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इक्वल सम पार्टीशन, ऐसे सवाल आते हैं इंटरव्यू में, यही एक टिपिकल इंटरव्यू का सवाल है, ठीक है, ऐसे ही सवाल आएंगे, देखना कैसे। वो आपसे पूछेगा, अब आपने क्या बोला था मेरे को कि एरे नहीं पढ़ा रहे, वो पता कैसे पूछेगा आपसे, देखो एरे देखा था, एरे का सवाल देखा था, बोलेगा आपके पास एक एरे है, ठीक है, एरे कुछ ऐसा है कि आपके पास 1 है 3 है 5 2 और 7 और 11, ऐसा कुछ है, एरे है, एरे का सवाल ये है, ठीक है। बोलेगा आपके पास एरे है, वो आप बोलोगे बढ़िया एरे है, तो क्या करो, बोलेगा आप क्या ऐसा कर सकते हो कि इस एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, सच दैट इसका जो सम आता है S1 दैट इज इक्वल टू S2, इसका सम है S2। वेरी गुड, सवाल एरे का है, एरे करवा रहा हूँ, लोग करवा रहा हूँ, एरे तो करवाई ना, है ना, ये सवाल आएगा, वो सब सवाल नहीं आया, बबल सॉर्ट करके दिखाओ, वो नहीं आएगा कि लार्जेस्ट फाइंड करो, क्या कौन बकवास सवाल करा था, ये सवाल आएगा, क्वेश्चन आना है कि नहीं आया, पहले बता दो एक बार पक्का है, एरे है, क्या आप इस एरे में सेट को वैसे डिवाइड कर सकते हो, कुछ बंदे इधर आ रहे हैं, कुछ बंदे इधर आ रहे हैं, सच दैट की उनका सराउंड इक्वल रहे, इक्वल रहे, पक्की बात हमारी, पक्का गारंटी। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था जो था टारगेट सम, एक बार उस पर दोबारा चलते हैं, सोचते हैं, उसमें हमने ये सीखा था कि एक एरे है और एक टारगेट है, हमको क्या, हमको ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या एक ऐसा सेट पॉसिबल है जो टारगेट बना देगा, ये था, मैं फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन याद रखना, वो दुख हमने कर लिया, क्वेश्चन का मतलब समझना चाहिए कि क्या कोई ऐसा सेट है जो टारगेट बना सकता है। अब इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से लिंक करते हैं, हमको ऐसा बोला गया कि सम इज इक्वल टू सम टू होना चाहिए, पक्का, अच्छा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई सम इज इक्वल टू सम टू है, सम इज इक्वल टू सम टू है, इतना तो क्लियर है, यानी कि जो सम इधर आया, मान लो एक्स ले लेते हैं, एक्स इधर एक्स आया, इधर भी एक्स आया, भी एक्स आएगा, तो इधर भी एक्स आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो मैं सिंपल ये बोल सकता हूँ कि अच्छा एक काम मैं कर सकता हूँ, इनका सम कर सकता हूँ, एरे का टोटल कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना, मान लो टोटल कर टी आ गया या कुछ भी आ गया, मान लो यू आ गया, ठीक है, टोटल करके यू आ गया। अब एक इक्वेशन बताता हूँ, ध्यान से देखना, इक्वल सम पार्टीशन में ये है कि इन दोनों को डिवाइड करना है, जिससे एक्स इधर एक्स इधर आए, हमको ये बात भी पता होनी चाहिए कि एक्स प्लस एक्स इक्वल टू यू है, होना चाहिए ना, यानी कि 2x इज इक्वल टू यू, यानी एक्स इक्वल टू यू बाय 2 बाय 2, इसको सम का आता ही होगा वही एक्स के बराबर। हाँ, अब मेरी बात फिर समझना, वो ये है यू का मतलब पता है ना, यू इज इक्वल टू टोटल सम, सम ऑफ टोटल सम ऑफ एरे, अब मेरे पास बता, यानी कि हम ये बोलने कि क्या कोई ऐसा सेट बन सकता है एक साइड पे जो u by 2 बना दे, यानी कि x का मतलब u by 2 ही तो है, u by 2, u by 2, हमारा क्वेश्चन में दिखना तो बन गया अब कि हमको एक एरे दे रखा है, आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि क्या इसमें से कोई ऐसा सेट बन सकता है जो टारगेट u by 2 के बराबर बना दे, क्योंकि u by 2 के बराबर अगर एक बना देगा तो दूसरा भी तो u by 2 के बराबर बना देगा, और दोनों का सम u हो जाएगा, u हो जाएगा, बात समझ आ रही है मेरी, अब की बात ऐसा सवाल है, एरे का सवाल है, एरे का तो सवाल है, यानी कि इक्वल सम में पार्टीशन कर दो एरे का, ओके, है ना, यानी कि हमको हमको दो जगह सवाल नहीं करना, हमको बोलना कि क्या भाई इस एरे में क्या एक ही सेट बना सकते हो आप जो टारगेट के बराबर हो जाए, टारगेट मेरा u by 2 है, क्योंकि अगर एक सेट ने u by 2 बना दिया तो बाय डिफॉल्ट दूसरा सेट भी आ जाएगा u by 2 के बराबर, समझ में आ गया, अगर टोटल सम 22 है, टोटल सम 22 है, तो मैं बोलूंगा ना क्या क्या कोई सेट है जो 11 बना सकता है, अगर 11 तो दोबारा दूसरा भी 11 बनेगा, एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखना इसमें, अगर सम 23 है तो डिवाइडिंग नहीं कर सकता, फ्रैक्शन में क्या है, अरे अगर सम 23 है तो क्या मैं 10 और 13 कर दूंगा क्या, नहीं कर सकता ना, अगर ऑड नंबर है तो उनको क्या डिवाइड करूंगा, क्वेश्चन इक्वल का है, इक्वल सम इक्वल का,
शर्त नंबर वन ये है कि सब आपका इवन होना चाहिए। ठीक है। इवन के बाद आपको ये देखना है कि क्या एक सेट ऐसा है जो यू बाय टू यानी कि टोटल सम बाय टू बना सकता है। कोई एक सेट अगर बना सकता है तो दूसरा भी बन जाएगा अपने आप, क्योंकि इवन की है और तो बनता है। हमारी बात पक्का हमारी अभी पक्की बात तो इस चीज़ को बस लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखनी जरूरी है आपसे। ये क्वेश्चन लिख लो, मैं कोड लिखूँगा इसका। ठीक है, इसको लिख लो। चलो फिर फन में आ गया। एरे को ऐसे डिवाइड करना है कि दोनों सम इक्वल है, दोनों सेट के सम इक्वल है। तो ये क्वेश्चन मैंने बना ली थी कि टोटल अगर सम की है या यू है तो इधर यू बाय टू बन जाए, और इधर अगर यू बाय टू बन जाएगा तो बाय डिफॉल्ट सम यू बाय टू बन जाएगा, है ना। तो उनको बस ये बताना है कि क्या कोई सेट ऐसा है जो यू बाय टू बना सकता है, अगर बना सकता है दूसरा वाला भी बना देगा क्योंकि सम तो इवन हुआ। ठीक है, आपको वाला फंक्शन आना चाहिए जो इससे हमने पहले बनाया था, बूल करके था ना, बूल टारगेट सम। और उसमें कुछ हमने लिखा था, फिर डी पी बनाई थी, बहुत कुछ लिखा था, है ना, याद होगा डी पी हम लोग बना लिया जो इससे मैंने शुरू हुआ अभी भी लिखा था। जो फंक्शन है मान लो, जो फंक्शन है जो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, जिसमें हम एरे देते हैं उसको और टारगेट देते हैं डी, हम बोलेंगे क्या ये एरे ये टारगेट बना सकता है, ये हम ये फंक्शन ये बताएगा। तो हमने मेन जो हमारा मेन होता है इंट मेन, हमारा मेन होता है इसके अंदर हमारे पास एरे होगा, तो ये इंट एरे और एरे का साइन है जो भी सब कुछ होगा। अब मैं टोटल निकालूंगा पहले, तो इंट टोटल, टोटल निकालना तो आता ही है ना, टोटल इज इक्वल टू जीरो रख लूंगा पहले, फॉर लूप लगा के टोटल निकालूंगा, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन आई प्लस प्लस, एरे को सम ही करना है बस, और टोटल प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई, प्लस करना तो आता है एरे को, ये कर दिया ये टोटल आ गया। पर मेरा आंसर पता क्या आएगा, मेरा आंसर होगा कि कॉल कर दो फंक्शन को सी आउट करके टारगेट सम पर एरे पास कर दो और बोलो कि क्या इस एरे में से क्या टोटल बाय टू बना सकते हो। ठीक है, विद अ शर्त, और इसको कॉल कब करना पड़ता है, अगर टोटल बाय टू टोटल अगर इवन हो तो उसको भी मिटा दे रहा हूँ, तो ऐसे बोलेंगे कि अगर मेरा टोटल जो है वो डिवाइड बाय टू करके रिमाइंडर जीरो देता है, इसका मतलब इवन होता है। अगर टोटल इवन है तब कॉल करूँगा, तब क्या बोलूँगा, तब सी आउट बोलूँगा, टोटल सम को कॉल कर दो, एरे पास कर दो और टोटल बाय टू करके पूछ लो, यानी पूछ लो कि क्या एरे ये वाला एरे टोटल बाय टू करके एक सबसेट बना सकता है, यानी कि क्या ये एरे इस टारगेट के बराबर एक सेट बना सकता है। अगर वो इवन है तो इवन तभी तो करेंगे, 22 है तभी तो पार्ट भी और हो पाएगा, 23 में क्या डिवाइड होगा, एल्स में क्या बोलूंगा कि भाई ऑड है, ऑड में सी आउट फॉल्स कर दो, है तो है ना, अब सी आउट फॉल्स कर दो, फॉल्स का मतलब ये है कि भाई हम डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि इस एरे को दो में डिवाइड नहीं कर सकते, कोड खत्म, इतना सा कोड था बस, इतना था तक ऐसा वाला क्वेश्चन, पक्का करना है क्वेश्चन पक्का, इतना कोड था, इतना कोड था वो।